इतना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान आज यौम दिफा मना रहा है। 65 की तारीखी फतह के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन। कराची मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर तकरीब। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने फूल चढ़ाए। लाहौर मजार इकबाल पर डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद की हाजिरी। फूल चढ़ाए और फातह खानी की। चाय से निस सदी पहले का नाश्ता भी फैंटास्टिक था। 1965 को लाहौर पर हमला करने वाले भारतीय फौजी अपना जंगी सामान और साथियों की लाशें भी वापस नहीं ले जा सके। पाकिस्तानी जवानों ने लाहौर की बीआरबी नहर को भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तानियों ने मॉडर्न एज की जंगों में नई तारीख रकम की थी। सिर्फ एक कंपनी ने भारत की पूरी रेजिमेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया। कोरोना भी पाकिस्तान से शिकस्त खा रहा है। एक्टिव केसेस की तादाद 6,269 रह गई। 285,000 पाकिस्तानी सेहत याब हुए। 24 घंटे में 2 अफराद जान से गए। 484 नए केसेस रिपोर्ट। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। साफ पानी आएगा, नाले साफ होंगे, कचरा उठेगा, सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया। बताया कि शहर में सर्कुलर रेलवे बहाल की जाएगी। और ओकाड़ा में खातून वकील के अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस ने साथियों के वीडियो बयानात जारी कर दिए, जिनके मुताबिक एक मुलजिम खातून को मोटरसाइकिल पर कचहरी छोड़कर आया। नसरीन इरशाद अहमद और आबिद के घर 22 अगस्त तक रही। खातून की एक मुलजिम के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई।